फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला डोरमेट डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिजाइन के लिए मैंने यहाँ 32 फंदे डाले हैं। 32 फंदों से मैंने यहाँ से ये डिजाइन शुरू किया था। तो जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया था, वैसे मैं आपको यहाँ से शुरू करके बताऊंगी। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 32 फंदे हैं। अब उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है, फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें सेकंड कलर लगाना है। तो मेरा सेकंड कलर ये रेड वाला है। सेकंड कलर से 2 फंदे उल्टे बुन देने हैं और फिर हमें ये फर्स्ट कलर है, इससे 3 फंदे उल्टे बनाने, 1, 2, 3, और यहीं से वापस पलट लेना है। फिर एक फंदा उतारेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इन 3 फंदों को ऐसे छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। फिर उल्टी सिलाई में एक फंदा उतारा, ये 2 और 3 फंदे हम यहाँ से लेंगे, 1, 2, 3। तो हमारे पास ये वाइट के 6 फंदे हो गए और यहीं से पलट लेंगे। फिर एक फंदा उतारा, 2, 3, 4, 5, 6, इस कलर को पीछे ले गए और रेड कलर को आगे लाना है। ये 2 फंदे रेड कलर से बनाने, तो एक फंदा उल्टा बनाया, लास्ट के फंदे को सीधा बुनना है। फिर आ जाइए उल्टी साइड में, 1, 2, अब रेड कलर से 2 फंदे ये हो गए, 3, 4, 5, इस धागे को वैसे आगे ले जाने हैं, 6, 7 और ये 8। 8 फंदे रेड कलर से बनाए और 2 फंदे व्हाइट कलर से, 1 और ये 2। फिर यहीं से वापस पलट लेंगे और इस सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुनना है। तो एक फंदा उतारा, इसको उल्टा बनाया, धागे को पीछे ले गए, ऐसे क्रॉस करते हुए आगे लाना है और रेड कलर वाले फंदे रेड कलर से बना देने, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट का फंदा हमें हर सीधी सिलाई में हमें सीधा बुनना है। फिर आ जाइए उल्टी सिलाई में। अब हमें उल्टी सिलाई में क्या करना है, व्हाइट कलर से 2-2 फंदे हमें इधर ले जाते लेना है और 2-2 फंदे इधर लेते जाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये 2 फंदे हम इस कलर से बना लेंगे, 1, 2 और 2 फंदे हमारे ये बचे हैं, 3, 4, 2 फंदे हमें यहाँ से लेते जाने हैं, 1, 2, ये 6 फंदे हमारे व्हाइट कलर के हो गए। फिर यहीं से वापस पलट लेंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के रहेंगे उसी कलर से बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 6 कलर, 6 फंदे हमने व्हाइट कलर से बनाए और 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 फंदे रेड कलर से। फिर उल्टी सिलाई में 1, 2, 3, 4, 2 फंदे फिर हम ये व्हाइट कलर से बुन देंगे, 1, 2 और जो इधर हमारे व्हाइट वाले हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 फंदे इधर से लेंगे, 9 और ये 10 और यहीं से फिर वापस मुड़ जाएंगे। फ्रेंड्स, सीधी सिलाई में हर बार जो फंदे जिस कलर के रहेंगे उसी कलर से बनाना है। तो इस सिलाई में कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आती है फिर उल्टी सिलाई में, 2 फंदे रेड कलर से बनाने, 1 उतारा और 1 बुन दिया। इन 2 फंदों को हम व्हाइट कलर से बनाएंगे, 1, 2, बाकी के फंदे भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, दो फंदे इधर से लेंगे, 13, 14, और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के रहेंगे उसी कलर से बुन के कंप्लीट करने हैं। तो मैं ये सिलाई फिर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारी ये एक डिजाइन यहाँ बन गई है, ये वाली यहाँ बन गई है। अब हमें क्या करना है, रेड कलर से दो फंदे तो ये हो गए, एक दो, और फिर यहाँ से लेने हैं 3, 4, 5, 6, इस धागे को भी हम ऐसे आगे लेते जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, दो फंदे इस कलर से और दो फंदे हम फिर यहां से ले लेंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। सीधी सिलाई में फिर से जो फंदे जिस कलर से हैं फिर उसी कलर से बुन लेंगे। तो 4 फंदे हमारे व्हाइट के हैं, इन्हें व्हाइट से बनाएंगे, और 14 फंदे हमारे रेड के थे तो उनको रेड से बनाएंगे। तो मैं ये रेड वाले फंदे भी बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। फिर आ जाइए उल्टी सिलाई में, एक फंदा उतारा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। फिर 2 फंदे हम व्हाइट कलर से बनाएंगे, 1, 2, और 2 फंदे, ये 4 फंदे बचे हैं, 1, 2, 3, 4, तो 6 फंदे ये हो गए, और 2 फंदे हम यहाँ से लेंगे, 7, 8, और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के रहेंगे उसी कलर से बना लेंगे। तो मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। फिर आ जाइए उल्टी सिलाई में, एक फंदा उतारा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फंदे इस कलर से बनाए, 2 फंदे फिर हम व्हाइट कलर से बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 2 फंदे यहाँ से ले लेंगे, 11, 12, फिर यहीं से वापस पलट जाएंगे और इस सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुन के कंप्लीट करना है। सीधी साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है, जो फंदे जिस कलर के रहेंगे उसी कलर से बुन के कंप्लीट करने हैं। तो मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब आ जाइए फिर उल्टी सिलाई में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 2 फंदे फिर इस कलर से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और 2 फंदे यहाँ से लेंगे, 15, 16, 16 फंदे व्हाइट कलर से, फिर यहीं से वापस मुड़ जाएंगे और सीधी सिलाई को जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुन के कंप्लीट कर लेने हैं। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखा। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी कली भी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ ये तीसरी कली बनानी है उल्टी साइड से। फिर हमें क्या करना है, एक फंदा उतारा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 9, 10, 11, 12, इस वाइट कलर को भी आगे लेते जाएंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
22 फंदे हमने रेड कलर से बनाए और दो फंदे बचे हैं, इन्हें व्हाइट कलर से बनाएंगे, एक दो, और फिर दो फंदे हम यहाँ से ले लेंगे। तो हमारे ये व्हाइट कलर वाले चार फंदे हो गए। फिर सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुन के कंप्लीट करने हैं। तो चार फंदे ये हमारे व्हाइट कलर के हैं और बाकी रेड कलर के। तो रेड कलर वाले फंदे मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। सीधी सिलाई मैंने बुन ली है, फिर उल्टी सिलाई में एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और ये बीस। बीस फंदे रेड कलर से बनाए, ये दो फंदे व्हाइट कलर से बुनने हैं, एक दो, और ये दो फंदे व्हाइट के बचे हैं, तीन चार, फिर सॉरी चार फंदे बचे हैं। तो दो ये हमारे ये हो गए, चार फंदे ये, छह फंदे, और दो फंदे हम यहाँ से लेंगे, सात आठ, और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुन के कंप्लीट कर लेने। तो अब आ जाइए फिर उल्टी साइड में, एक फंदा उतारा, ये दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। अठारह फंदे रेड कलर से बनाए, ये दो फंदे हम फिर व्हाइट कलर से बुन देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, और दो फंदे यहाँ से लेंगे, ग्यारह बारह, यहीं से फिर वापस पलट लेंगे। और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आ जाइए फिर उल्टी साइड में, एक फंदा बिना बुने उतारा, ये दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। सोलह फंदे रेड कलर से बनाए और दो फंदे ये हम व्हाइट कलर से बुन लेंगे, एक दो, और बाकी इधर जो हमारे फंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, और दो फंदे ये बचे हैं, पंद्रह सोलह। और इस सिलाई को पूरा जो फंदे जिस कलर से उस कलर से बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तीसरा डिजाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया, एक दो और ये तीन। अब उल्टी सिलाई में सारे फंदे हमें रेड कलर से बुन लेने हैं, एक फंदा उतारा और ये बाकी के फंदे भी सारे रेड कलर से बुन के कंप्लीट कर लेने हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स ये सिलाई मैं उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, और सीधी साइड से भी हमें एक सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है रेड कलर से। तो मैं दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह फ्रेंड्स हमारी ये कली यहाँ कंप्लीट हो गई, यहाँ से मैंने शुरू किया था और यहाँ हमारी कली कंप्लीट होती है। अब यहाँ हमें तीसरा कलर लगाना है, तीसरे कलर से दूसरी कली बनानी है। जैसे पहले कली मैंने ये इस कलर से बनाई है और दूसरी कली इस कलर से बनाई है। आप चाहें तो यहाँ भी दूसरा कलर लगा सकते हैं, मैं यहाँ यही कलर यहाँ लगा रही हूँ। तो अब दूसरी कली कैसे बनानी है मैं शुरू करके आपको बता देती हूँ। तो दो फंदे हमें रेड कलर से ही बनाने हैं और बाकी के सारे फंदे ब्लू कलर से बना लेंगे।
सीधी साइड में, हर बार सीधी साइड में फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, सीधी साइड में जब भी जो कलर रहेगा वही कलर हमें लगा के कंप्लीट करना है। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। तो जैसे मैंने यहाँ से आपको ये कली शुरू करके बताई थी, फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स उल्टी सिलाई से मैंने आपको यहाँ कली बनानी, ये डिजाइन शुरू किया था, तो वैसे ही यहाँ से उल्टी साइड से हमें डिजाइन डालना शुरू करना है। फंदे डालने के बाद जैसे मैंने ये कली बनानी बताई थी, वैसे ही यहाँ से उल्टी सिलाई से शुरू करना है। तो मैं ये कली कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कली भी मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली है। इस तरह मैंने ये 1, 2, 3, 4 कली बना ली है। तो जैसे मैंने ये 4 कलियां बनाई है, ये कली मैंने आपको बनाकर बताई है, वैसे ही सारी कलियां बनानी है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये डोरमेट डिजाइन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू।